9 अक्टूबर 2024 की देर रात करीब 11 बजे देश में ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर भारतीय सहम गया। पता चला कि देश के चहीते और मशहूर कारोबारी रतन टाटा अब नहीं रहे। टाटा के निधन पर पूरे देश से श्रद्धांजलि आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक पारदर्शी कारोबारी नेता, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान बताया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन से उद्योग जगत से लेकर खेल, राजनीति और बॉलीवुड जगत तक में मातम पसर गया। आम से लेकर खास तक हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। इसी कड़ी में मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने उनके निधन की खबर सुनते ही जर्मनी में अपना कॉन्सर्ट बीच में रोककर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिलजीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते दिख रहे हैं। रतन टाटा जी बारे तुसी सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निघी श्रद्धांजलि। रतन टाटा होणा तों सानूं इही सिख, अज उन्हां दा नाम लैणा जरूरी मैनूं इस करके लगा क्योंकि उन्हां दी लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्हां बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्हां बारे कदे नहीं देखिया कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्डवर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मैं लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना, बेदाग अपनी लाइफ जी के गए हो। अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला के नाम, क्योंकि असी हमेशा चढ़दी कला ही सीखी है, जिस हालात च भी रहे हमेशा चढ़दी कला। सो अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला के नाम। दिलजीत बोले, आप सभी रतन टाटा के बारे में जानते हैं, उनका निधन हो गया है। यह मेरी तरफ से उन्हें छोटी सी श्रद्धांजलि है। आज मुझे लगता है कि उनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत की है। मैंने उनके बारे में जो भी कुछ सुना और पढ़ा है, मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मेहनत की और अच्छा काम किया। दिलजीत ने कहा, रतन टाटा ने हमेशा दूसरों की मदद की है, यही जीवन है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और जीवन को खुलकर जीना चाहिए। बता दें, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा को उम्र से संबंधित समस्याओं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन इसके दो ही दिन बाद भारत के रतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।